أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj hamari guftugu, hamari baatcheet dil par hogi. Agar aap meri baat ko apne dil mein jagah denge to aap ko dil ki saaf, dil ke kaam aur dil samajh aa jayega. Main apni baat ka awaaz dil mein rehne wale, dilon ke aaj janne wale, दिलों पर राज करने वाले, दिलों को तामीर करने वाले, दिलों को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर करने वाले अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आलीशान इरशाद से करता हूँ. इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है और अगर वो टुकड़ा सही सही काम करता रहे या सुधर जाए तो जिस के सारे काम सही सही होते हैं या सुधर जाते हैं. और अगर वो टुकड़ा सही सही काम ना करे या बिगड़ जाए तो जिस के सारे काम सही सही नहीं होते या बिगड़ जाते हैं. और गोश्त का वो टुकड़ा दिल है, दिल है, दिल है. हुजूर वाला, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने दिल को तिब्बी तौर पर और मेडिकली डिस्कस किया है. शायरों और अदीबों ने दिल को इश्क मोहब्बत कि जड़ मानकर इस पर बेशबहा कुतुब लिखी और शायरी की है. हुजूर वाला, दिल हमारे जिस्म में दो तरह के काम सरंजाम देता है. पहला काम इल्म व हिकमत, अक्ल व दानिश, तफक्कुर व तदब्बुर, ख्यालात, एहसासात, जज्बात, तसव्वुरात, रूह, अदायात और इनकी बैटरी, इनकी वर्कशॉप और इनके मरकज के तौर पर काम करता है. दूसरा काम, दिल हमारे जिस्म में खून के पंप के तौर पर काम करता है. दिल के पहले काम को रूहानियत में डिस्कस किया जाता है और जबकि दूसरे काम को मेडिकल की दुनिया में डिस्कस किया जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले काम यानी रूहानियत के बारे में समझ आ जाए तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए. उस पर आपको बहुत मजे मजे के लेक्चर मिल जाएंगे. दिल को मेडिकली जानने के लिए हमें तीन सवालात के जवाब जानने पड़ेंगे. अब पहला सवाल, What is heart? दिल क्या है? अब दूसरा सवाल, What is the structure of heart? दिल की साँ क्या है? अब तीसरा सवाल, How heart works? दिल अपना काम किस तरह से अंजाम देता है? आइए पहले सवाल का जवाब देखते हैं. और पहला सवाल है, What is heart? दिल क्या है? A muscular organ that pumps blood in our body is called heart. मसल से बना हुआ एक ऐसा उज्व जो
खून को हमारे जिस्म में धकेलता है उसे दिल कहते हैं। अब आइए दूसरे सवाल का जवाब देखते हैं। दूसरा सवाल, What is the structure of heart? दिल की सा क्या है? There are four chambers of heart. दिल के चार खाने हैं। Two chambers are called atria and two chambers are called ventricle. Number one, right atrium. Number two, right ventricle. Number three, left atrium. Number four, left ventricle. दो को एट्रिया कहते हैं और दो खानों को वेंट्रिकल्स कहते हैं। नंबर एट, राइट एट्रियम। नंबर दो, राइट वेंट्रिकल। नंबर तीन, लेफ्ट एट्रियम। नंबर फोर, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम तीसरे सवाल का जवाब देखेंगे। तीसरा सवाल, हाउ हार्ट वर्क्स, दिल अपना काम किस तरह सर अंजाम देता है? हुजूर वाला, मैं आपको दिल का काम समझाने से पहले यह बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारे जिस्म में दो तरह का खून होता है। There are two types of blood in our body. Number one, deoxygenated blood. And number two, oxygenated blood. The blood which have less amount of oxygen is called deoxygenated blood. And the blood which have more amount of oxygen is called oxygenated blood. हुजूर वाला, हमारे जिस्म में दो तरह का खून होता है। नंबर एक deoxygenated blood और नंबर दो oxygenated blood. Deoxygenated blood वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो उसे deoxygenated blood कहते हैं और वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। हुजूर वाला, जिस तरह मैं जिस्म में दो तरह का खून होता है इसी तरह मैं जिस्म में दो तरह की खून की नालियां भी होती हैं। There are two types of blood vessels in our body. Number one, arteries. Number two, veins. Arteries, vessels that carry blood from heart to the other parts of the body are called arteries. खून की वो नालियां जो खून को दिल से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती हैं उन्हें आर्टरीज कहते हैं। नंबर टू, वेन्स, वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। हुजूर वाला, खून की वो नालियां जो खून को जिस्म के दूसरे हिस्सों से दिल तक लेकर आती हैं उन्हें वेन्स कहते हैं। आगे अब हम दिल के काम की तरफ चलते हैं। जिस तरह खून की दो किस्में हैं इसी तरह दिल के भी दो
बॉडी से बॉडी के दूसरे हिस्सों से खींचकर उसे लंग्स तक पहुंच जाता है और वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दी जाती है और ऑक्सीजन मिला दी जाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल दिया जाता है। अब दूसरा काम, दिल किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से खींचकर बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। आइए अब हम दिल के पहले काम को समझते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेनिकोवा के जरिए से राइट एट्रियम में दाखिल हो जाता है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल के जरिए से खून राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है। फिर जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खून राइट वेंट्रिकल से निकलकर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में दाखिल हो जाता है और फिर लंग्स में दाखिल होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दी जाती है और इसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है जिससे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है। ये तो था दिल का पहला काम। आइए अब हम दिल के दूसरे काम की तरफ चलते हैं कि दिल किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से खींचकर बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। तो आइए अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम जब सुकड़ता है तो लेफ्ट एट्रियम से एक वाल के जरिए से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो के लेफ्ट एट्रियम में मौजूद होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सुकड़ता है तो इस सुकड़ने की वजह से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर ओटा के जरिए से पूरी की पूरी बॉडी में चला जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों में कौन सी नालियां लेकर जाती हैं और वापस कौन सी नालियां लेकर आती हैं और हमारे जिस्म के नीचे वाले हिस्से में इस खून को कौन सी नालियां लेकर जाती हैं और कौन सी नालियां वापस लेकर आती हैं, इस टॉपिक को समझने